हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इन द मीडियम दिस इज पलकैन इंग्लिश एडुकेटर डियर क्लास एट स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो बिगेन विद चैप्टर नंबर फाइव वन टू थ्री की एक्सरसाइजेस की सो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है विद एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर सो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो में लिंक्स मिल जाएंगे सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आपकी बुक्स रेडियंस पार्ट थ्री में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ग्रामर पार्ट है हम उन्हें सभी को कवर करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट क्यों होती है बता देती हूँ सबसे पहले तो आई थिंक स्टूडेंट जब क्लास एट में आता है ना तो बहुत ही शॉर्टकट लेने लगता है एक्सप्लेनेशन मतलब क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस तो दूर की बात है एक्सप्लेनेशन की जगह समरी तक आ जाता है तो देखो एट क्लास तक या मैं तो बताऊँ ना इंग्लिश में इवन टिल ट्वेल्थ ग्रेड इतने लंबे चैप्टर्स नहीं होते हैं कहानियाँ होती हैं कहानियाँ तो आप वैसे भी सुनते हो इतना मूवीज वगैरह देखते हो सो स्पेर आउट फ्यू टाइम थोड़ा मिनट आपको निकालना है है ना आपको कहानी पढ़नी है अच्छे से समझनी है एंड देन इन चीजों को प्रैक्टिस करनी है सो so दैट क्या होता है ना लिटरेचर सब्जेक्ट अगर आपके हाथ में आ गया ना तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ना भी काफी आसान हो जाता है यानी यू कैन गिव टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स सो ओवर है एक्सरसाइजेस के लिए आपको जस्ट लानी है आपकी बुक रेडियंस पार्ट थ्री आ जाना है पेज नंबर फोर्टी पे वर्ड स्टडी से होता क्या है ये सब मैं इसलिए कराती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए ये सारे जवाब हैं

बिल्कुल की वही तो शेफर्ड को लेके आई थी सो दिस इज ऑल्सो ट्रू नंबर थ्री द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दफर्ड वुड गेस करेक्टली वट वॉज देयर इन द किंग्स हार्ट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उनको तो घबराहट हो रही थी वो शॉक हो गए थे कि ये किसको शेफर्ड को फूल को ले आई है इसमें तो इतना दिमाग भी नहीं है तो वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे एंड नंबर फोर फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड लेकिन उस फूल जिसको वो बेवकूफ समझ रहे थे उसने सही सही में किंग का दिमाग पढ़ लिया। ये बिल्कुल बात है। चलिए। so okay? पे my activity, word study. इसमें क्या है आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्स हैं। आपको पढ़नी है लाइने एंड यहाँ पे उसको फिल करते जाना है करेक्ट वर्ड को अकॉर्डिंग टू द लेसन सो नंबर वन और उससे पहले काम करती हूँ मैं फटाफट से इन वर्ड की मीनिंग बता देती हूँ ताकि तुम लोग फिल कर पाओ पहला है फूल फूल तो सबको पता है अरे वो गुलाब का फूल नहीं ये फूल है बेवकूफ वाला फूल ओके नेक्स्ट इज यानी जो भेड़िए वगैरह चलाते हैं है, है ना वो सब होते हैं शेफर्ट कहते हैं उन्हें राइट नेक्स्ट इज रिच रिच सबको पता है क्या होता है अमीर जिसे हम कहते हैं डिनाइड डिनाइड का मतलब होता है इनकार कर देना रिएक्शन यानी किसी चीज पे आप रिएक्ट कर रहे हो राइट पावरफुल यानी बहुत ज्यादा ताकतवर प्लीज यानी किसी ने किसी को खुश कर दिया एंड गैस यानी होता है अंदाजा लगाना क्लियर है चलिए नंबर वंस अ किंग हु डैश डैश एंड तो कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी एक बार एक राजा था जो कि क्या था बहुत ही रिच था एंड पावरफुल था नंबर टू मैनी पीपल ट्राइड टू गैस वॉट वॉज इन द किंग्स माइंड बहुत लोगों ने कोशिश की अंदाजा लगाने की कि किंग कि कि के दिमाग में क्या चल रहा था नेक्स्ट मिनिस्टर्स डॉट होम अंबर उसने, उस उसने इनकार कर दिया कि तीसरा कोई और नहीं है भगवान से ऊपर गॉड से ऊपर और कोई नहीं है नंबर फाइव द किंग वॉज वेरी प्लीज ऑन द फूल्स रिएक्शन किंग बहुत ही खुश हो गए थे उस बेवकूफ के फूल्स के रिएक्शन पे कि कोई मिल गया होने जो उनका दिमाग पढ़ पाया, ओके? चलिए मूविंग ऑन टू एक्टिविटी वर्ड स्टडी की ये मुझे लगता है सबको इंटरेस्टिंग लगेगी एंड मुझे उम्मीद है मेरे solve करने से पहले सभी इसे करेंगे। क्या करना है? आपको लेटर दिए हैं करके, है ना इधर उधर हैं। द लेटर्स इन मीनिंगफुल वर्ड्स एंड यूज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड आपके लेसन में से ही वर्ड लिए गए हैं जंबल क्या है उसको रीअरेंज करो मीनिंगफुल वर्ड बनाओ एंड उन्हीं वर्ड्स पे अपने सेंटेंस बनाओ सो so, पहला वर्ड मैं देख पा रही हूं पहला वर्ड इज पावरफुल नेक्स्ट इज शेफर्ड दूसरा मुझे कहीं ना कहीं रिवॉर्ड जैसा दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट नंबर फोर्थ इज वायलेंस एंड नंबर फिफ्थ इज असेंबल तो इस वर्ड को हमने असेंबल कर दिया चलिए इनको सेंटेंसेस में यूज किया हर थॉट्स आर वेरी पावरफुल उसके विचार काफी पावरफुल हैं शक्तिशाली हैं ऑनेस्ट शेफर्ड अरुण एक ऑनेस्ट शेफर्ड है नंबर थ्री द पुलिस चाइल्ड हुए में काफी ज्यादा वायलेंट है क्लियर है तो चार आपको सेंटेंसेस यहाँ दिखे हैं फिफ्थ सेंटेंस आपको बनाना है असेंबल के ऊपर सभी नोट कर लीजिए ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है होमवर्क आपको कहां सबमिट करना है नीचे नीचे आप देखोगे कॉमेंट्स करके एक सेक्शन दिया होगा वॉट यू नीड टू डू अभी ही कर लो है ना दो मिनट लगेंगे असेंबल वर्ड पे एक सेंटेंस बनाओ असेंबल वर्ड को यूज करते हुए जैसे इन चारों के मैंने सेंटेंस आपको बताए फिफ्थ सेंटेंस आप बताओगे एज होमवर्क इन दी कॉमेंट सेक्शन में वहीं आके चेक करूंगी ओके okay? क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अब आ जाओ पेज नंबर फोर्टी वन पे पेज नंबर फोर्टी वन पे आपको क्या करना है पिक आउट द द द वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी दैट मीन फॉलोइंग दिस दिस इज इज गुड गुड ताकि इससे ना आपकी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ती है आपको क्या करना है बुक में आप देख सकते हो अपनी पेज नंबर फोर्टी वन पे आओ यहाँ पे आपको पैराग्राफ पे आइडिया दिया है बता रही हूँ क्या करना है एक एग्जाम्पल देखो पहला वाला मीनिंग है लेफ्ट विद नो होप्स ये मतलब है अर्थ है किसी भी उम्मीद का नहीं होना कोई भी उम्मीद नहीं बची है पैराग्राफ टू में ऐसा वर्ड दिया गया है सो पैराग्राफ टू में जो वर्ड दिया गया है जिसकी उम्मीद नहीं है वो है डेस्परेट डेस्परेट का एक मतलब तो होता है परेशान हो जाना और परेशान इंसान यूजुअली कब होता है जब कोई उम्मीद नहीं होती है तो so ये आपके बुक में वर्ड दिया था पैराग्राफ टू में तो so सिमिलरली पहले वाले से शुरुआत करो मेड हैप्पी अर्थ है किसी को खुश करना तो so ऐसा कौन सा वर्ड दिया है पैराग्राफ टू में उसे सर्च करेंगे इट इज चिड चियर करना किसी को खुश करना नंबर सरप्राइज यानी शॉक हो जाना सो so, पैरा में वर्ड दिया दिया है ही दिया है शॉक्ड ही राइट नंबर थ्री बिलीव्ड बिलीव्ड यानी भरोसा करना तो पैराग्राफ थ्री में वो वर्ड है ट्रस्टेड ओके क्लियर है नंबर ट्रस्टेडर्डर्ड यानी इकट्ठा करना ये वही वर्ड है जिसपे अभी मैंने होमवर्क दिया था असेंबल्ड तो याद दिला रही हूँ होमवर्क सबमिट कर देना चलो नंबर फाइव हेल्ड अप मतलब होता है उठाना सो यानी लिफ्टेड नंबर सिक्स पेड समथिंग फॉर डूइंग सम गुड किसी को दे पैसा देना या पैसा भी नहीं कोई भी अवार्ड दे सकते हो कुछ अच्छा करने के अच्छा करने के लिए सो दैट इज रिवॉर्ड नंबर सेवन इज रिफ्यूज रिफ्यूज यानी मना कर देना इनक्री दैट इज डिनाइड ओके क्लियर है चलिए नाउ बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ग्रामर ग्रामर एग्जैक्टली आपकी बुक की ग्रामर दी रहती है यहाँ पे हर चैप्टर में एक नया टॉपिक देते हैं So, आपको समझना है इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी एंड ऑलरेडी मैम फर्क तो कोई नहीं है एग्जैक्टली exactly, ये होमोफोन्स हैं सुनने में बिल्कुल सेम है बस स्पेलिंग में डिफरेंस है ऑलरेडी में ए एल आर ई ए डी वाई कंटिन्यूस में है ऑलरेडी ए डबल एल अलग वर्ड है और रेडी अलग वर्ड है ना देखो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है ऐसी कोई चीज जो पहले ही हो चुकी है

कंपेयर कर रहे हैं ये वाले सेंटेंस देखना नीचे के दो वेन इज योर फ्रेंड कमिंग He has already come. सवाल मैंने पूछा यार तुम्हारा दोस्त कब आ रहा है मैंने पूछा तुम्हारा कोई दोस्त आने वाला होगा मैंने पूछा When is your friend coming? तुम मुझे जवाब देते हो He has already come. यानी वो पहले ही आ चुका है ये वाला already हुआ अब दूसरा क्या है देखो Are you all ready? Yes, we are. इसका मतलब है क्या आप सभी तैयार हैं? यहाँ ऑल का मतलब है सभी सो so, क्या आप सभी तैयार हैं? आप बोलोगे yes, so, दोनों में। तो जरा इन पे फटाफट से दो बनाइए एक ये वाले पे, वाले पे पे। so, पहला ऑलरेडी शी वॉज ऑलरेडी डन पैकिंग उसकी पैकिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी वी हैव ऑलरेडी प्लान एवरीथिंग एंड नेक्स्ट इज ए डबल एल ऑल वाला रेडी शी वॉज ऑल रेडी फॉर द शो वो शो के लिए पूरी तैयार थी है ना इसका मतलब क्या है पूरी तैयार शी वॉज ऑल रेडी फॉर द शो डिफरेंस समझ आया नेक्स्ट दे आर ऑल रेडी फॉर द ट्रिप वे सभी के सभी ट्रिप के लिए यानी यात्रा के लिए तैयार है बहुत स्लाइड डिफरेंस है लेकिन आई होप आप सभी को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा चलिए सो so, कुछ नहीं सिंपल से एक्टिविटी दी है आपको क्या करना है इन सेंटेंसेस में इंसर्ट ऑलरेडी एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस आपको इन सेंटेंस में सही जगह पे ऑलरेडी वर्ड का इस्तेमाल करना है नंबर शी इज लेट फॉर द ट्रेन तो ये होगा शी इज ऑलरेडी लेट फॉर द दंबर टू देशोर द डॉक्टर डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी ऑलरेडी हैव यू फिनिश्ड द वर्क हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क क्या आपने पहले ही वर्क खत, खत्म कर लिया है नंबर फोर दे हैड बीन

but he told no one about it. One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. तो यहाँ focus कीजिए यहाँ पे chapter की line है यहाँ पे red में दिया गया है thought told began thought word क्या है thought word का मतलब होता है सोचा लेकिन क्या ये base word है नहीं ये past tense है किस word का past tense है think think का past tense हुआ thought told told यानी बता दिया टोल्ड वर्ड किसका है हम भूतकाल की बात करते हैं तो हम इनको बेस वर्ड को पास टेंस में कन्वर्ट करते हैं ये देखो कॉल्ड हो गया आज हो गया मेड हो गया कुड हो गया तो so आप देखोगे जो पैराग्राफ में हाईलाइटेड वर्ड है ये कैसे हैं सिंपल पास टेंस

ऐसी चीजें जो भूतकाल में खत्म हो चुकी थी जैसे मैंने कहा अभी 10 बज रहे हैं मैंने बताया मैं घर 6 बजे आ गई थी मैं घर 6 बजे आ गई थी जब मैंने थी कहा यानी ये काम हो चुका है सो आई केम होम एट 6 ओ क्लॉक यहां पे केम किसका पास्ट टेंस है कम का पास्ट टेंस है क्योंकि मैं आ चुकी हूं तो मैंने यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज किया दूसरे सिंपल पास्ट टेंस सब कब यूज करते हैं रिपीटेड एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ जो दोहरा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अनुज ने कहा आई वॉक टू स्कूल एवरी डे मैं रोज स्कूल चल के जाता हूँ सो वॉकड यहाँ पे क्या हुआ हमारा सिंपल पास टेंस नेक्स्ट थर्ड हम कब यूज करते हैं सडन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मिडल ऑफ अनादर एक्शन समझना इसको कोई एक्शन हो रहा है जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रही हूँ और एकदम पढ़ाते पढ़ाते मैं साथ साथ में लिख रही हूँ तो ये क्या हो गया सडन एक्शन एक एक्शन में ऑलरेडी कर रही हूँ उसी के साथ में दूसरा एक्शन करने लगी सो so, एग्जाम्पल देखो आई सिटिंग इन मीटिंग सडनली रैंग मीटिंग में बैठी हुई थी और एकदम से क्या हुआ मेरा फोन बजने लगा तो यहाँ रैंग किसका पास टेंस है रिंग वर्ड का रिंग यानी फोन बजना रैंग होता है इसका सिंपल पास टेंस नंबर फोर्थ यूजेज कब है

आई होप दिस इज क्लियर तो अब अगर सिंपल पास समझ आया हो तो काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फिलअप करने की पेज नंबर थ्री पे कंप्लीट द सिंपल टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है आपको वर्ब ब्रैकेट में दिया है क्रिया दिया है उसको करेक्ट पास में लगाना है तो आइए शुरुआत करते हैं एवरी डे अंशु ट्रेवल्स टू पटना येस्ट डे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार वेन ही सी दिया है सी का सिंपल पास टेंस क्या होगा सो

रंड कुछ नहीं होता आर यू एन एन ई डी ये कुछ भी नहीं होता है ही रंड द ये कुछ भी नहीं होता है, ही रैंड हो गया ये भी नहीं होगा ही रैन होगा क्लियर है बात समझ आएगी नहीं मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है किसी भी वर्ड में बस एन डी e लगा के आ जाते हैं ऐसा नहीं होता है रैन होगा रन का पास्ट टेंस क्या हुआ रैन है ना सो द डॉग रैन अवे भाग गया दूर अंशु गो बैक टू हिज कार नहीं गो क्या है सिंपल टेंस है गो का पास टेंस गोड भी नहीं होगा गोड कुछ नहीं होता है गोड इज रॉन्ग गो का पास क्या होगा कार वाइल ही गेट का क्या होगा got वाइल ही the car, इन dog appeared अगेन एंड सिट का क्या हो जाएगा पासड नहीं होगा सैट होगा एंड सैट डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड इंजन बट नॉट मूव का क्या होगा डिड नॉट मूव फास्ट क्या होगा डिड नॉट मूव जम्पू जम्पेड दिम एंड स्टार्टेड टू रन अंशु फॉलो दडनली ही सॉ अमेन लाइंग इन दी ग्रास शी वॉज ब्लीडिंग क्लियर हुए कि नहीं कुछ कुछ वर्ड है जिनमें अलग वे है जैसे रन का रैन होगा सिट का ये कुछ कुछ आपको याद करने होंगे बहुत बेसिक है, है ना बहुत अलग नहीं है, बहुत बेसिक है सी का सो होगा गो का वेंट होगा थोड़े थोड़े अभी भी आप याद करते चलेंगे अलग से पढ़ाऊंगी ग्रामर में तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे मेक अ क्वेश्चन एंड नेगेटिव आंसर आपको क्या होगा आप, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है नॉर्मल सेंटेंस उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना एक क्वेश्चन में और देन बनाना है नेगेटिव सेंटेंस ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि मेक दिस सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन मार्क और मेक दिस सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस सो लेट्स सी पहला एग्जाम्पल दिया है वी सॉ अ मंकी ऑन द रूफ हमने छत पे एक मंकी देखा सिंपल सेंटेंस है इसको क्वेश्चन में कैसे बदलोगे प्रश्न में तो प्रश्न हिंदी में कैसे होगा मैंने छत पे एक मंकी देखा मैंने मैंने क्या एक मैंने क्या मंकी एक छत पे देखा है ना क्या एक मंकी मैंने छत पे देखा ऐसे हिंदी में बोलूंगी ना मैं इसको सो डिड यू सी मंकी ऑन रूफ या फिर अगर इसको नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा we did not see. यानी ना करना की जगह यहाँ पे वैसे होगा डिड वी डिड वी सी अ मंकी ऑन दी रूफ क्योंकि वी आया है वहां पे चलिए नेक्स्ट सेम चीज आपको करनी है नंबर वन शी लॉस्ट हर पेन इसको क्वेश्चन कैसे बताओगे डिड शी लूज हर पेन And negative अपनी कार धीरे से चलाई तो यही होगा क्या आये से चलाई सो योली एंड नेगेटिव आयशा डिड नॉट ड्राइव हर कार्लोली क्लियर है चलिए देवर मेकिंग नॉइस इन द्लासरूम वो क्लासरूम में शोर मचा रहे थे तो कैसा होगा क्या वो क्लास रूम में शोर मचा रहे थे इंग्लिश में कैसे लिखोगे

डिड केम कभी नहीं होगा या डिड नॉट केम नहीं होगा डिड या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस वाले ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट कुमार वॉज स्लीपिंग इन दी चेयर वॉज कुमार स्लीपिंग इन दी चेयर कुमार वॉज नॉट स्लीपिंग इन चेयर ही रैन अवे डिड ही रन अवे देखो डिड के साथ हमने रन कहा रैन नहीं कहास्ट फॉर्म ऑफ वर्बीन यूज किया है एंड ही डिड नॉट रन अवे डिड नॉट के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे क्लियर है चलिए नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन बेसिकली होते हैं राइटिंग स्किल्स में यह पार्ट आता है जो यूजली आपके एग्जाम में आता है यू नीड टू डू पैराग्राफ राइटिंग छोटा पैराग्राफ लिखना है टॉपिक है पावर मेक्स पीपल एरोगेंट यानी इंसान के पास जब बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं ना एरोगेंट यानी रूड बना देती है सो यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी यू मे हैव जस्ट रेड एंड हमें पता है हमारी जो स्टोरी थी उसमें यही बात थी कि किंग खुद को बहुत ही ताकतवर समझता था तो इसी बात पे आपको पैराग्राफ लिखना है अब एक चीज बताऊंगी मैंने आपके रेफरेंस पे पैराग्राफ लिखा है बट आई वॉन्ट ईन ऑफ यू आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करो आई नो एस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप अपना दिमाग लगाओ अपने हिसाब से थॉट्स लाओ एंड इस पैराग्राफ को खुद से लिखो चलिए एग्जाम्पल इट्स पार दैट मेक्स पीपल एरिगेंट वी सी दैट सो कॉल्ड लीडर्स न्यूली फाइट फॉर इलेक्शन आर सो मील इन जेंटल बट वेन दे कम इन पार दे बिकम वेरी एरिगेंट दे थिंक दैट दे ऑल आर पावरफुल

So, जैसे हमने स्टोरी का भी एग्जाम्पल लिया जैसे वो किंग था वो किंग खुद को बहुत पावरफुल समझता था तो क्या होता है पावर के आने से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंसान की समझ जो है कम हो जाती है और इस वजह से वो ज्यादा एरोगेंट होता है कि मैं सबसे जिस वक्त इंसान सोचने लगा ना कि मैं सबसे ऊपर हूं तो उस टाइम जो है कहीं ना कहीं इंसान का बोलते ना अहंकार बढ़ जाता है और वो एरोगेंट हो जाता है आई होप दिस इज क्लियर चलिए नाउ लास्ट पार्ट इज ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट ट्रांसलेन आता है आपको आपको क्या करना है ट्रांसलेट दैराग्राफ स्टोरी इन योर मदर टंगोर्थ पैराग्राफ जो दिया है story का, उसको को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ये हमारा पैराग्राफ है क्योंकि हम स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आई होप आपने सभी ने देखा होगा ये आइए से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सो so, अदालत के पहले ही इकट अदालत पहले ही इकट्ठी हो चुकी थी इकट्ठी किसके लिए कहा है हमने असेंबल्ड मंत्री ने चरवाहे चरवाहा कौन था शेफर्ड को राजा के सामने पेश किया जब चरवानेरवाहे ने राजा को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई तो राजा ने अपनी एक उंगली ऊपर उठा ली यानी ही हेल्ड वन फिंगर इस पर चरवाहे ने दो उंगलियां पकड़ ली यानी दो उठा ली उसने तब राजा ने तीन उंगलियां उठाई लेकिन इस पर मूर्ख ने मूर्ख क्यों कहा है क्योंकि फूल कहा गया था मूर्ख ने जोर से सिर हिलाया और भागने की कोशिश की मंत्री की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ उसने राजा से विनती की कि वह उसे सब कुछ समझाएं तो so, क्यों कहते हैं हिंदी में ट्रांसलेशन इंग्लिश का ताकि आप काल वगैरह सब सही से लिख पाओ राइट तो होपफुली आप कोई भी स्पेलिंग्स की की या मात्राओं की मिस्टेक यहां पे नहीं करेंगे आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर सो डर स्टूडेंट्स विद दिस वी एंड वंडरफुल सेशन फॉर एक्सरसाइजेस होपफुली आपको मजा आया होगा चीजें समझ आई होगी एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क तो जरूर सबमिट करेंगे एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सब सारे के सारे जो है क्लास एट के फ्रेंड्स के साथ सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि एक क्विज के फॉर्म में होंगे सो so, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय